अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सैयदा मरियम मुमताज़। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे आवर टॉपिक इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, एंड आवर टॉपिक इज़ करियर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम लोगों ने ये देखना है कि जो भी आईटी पढ़ते हैं उनके लिए क्या करियर्स हैं आगे, जिनमें वो काम कर सकते हैं या अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं, और जो भी काम है उनकी, जो भी करियर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और कैसे वो वर्क करते हैं और हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होते हैं। तो करियर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, हार्डवेयर इंजीनियर्स हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वेब डिज़ाइनर, मल्टीमीडिया डिज़ाइनर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, और लास्ट में कंप्यूटर टीचर। ये तमाम वो फील्ड्स हैं जिसमें एक कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाला इंसान आगे जाके एक्सपर्ट बन सकता है, ठीक है, और बहुत से काम परफॉर्म कर सकता है। उसकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनको वो अपने करियर के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकता है। सबसे पहले अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की फील्ड को देखें तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? हाईली स्किल्ड पर्सन इन द फील्ड ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे हाईली स्किल्ड पर्सन होते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि वो अपने प्रोग्राम का एनालिसिस कर सकें, डिज़ाइन बना सकें उसका, और जब वो ये दोनों काम कर लें तो उनको सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दें, यानी कि इंस्टॉल कर दें, ठीक है, और बाद में अगर इसमें सॉफ्टवेयर में कोई भी इशू आता है तो वो उसकी मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, यानी उसमें कोई भी चेंजिंग या मॉडिफिकेशन, कोई भी काम है वो उसको अपडेट वगैरह भी कर सकते हैं। कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्रोग्रामर्स एंड सिस्टम एनालिस्ट। इसमें फिर आगे दो कैटेगरीज आ जाती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोग्रामर हो सकते हैं या सिस्टम एनालिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, यानी एक्सपर्ट वो किसी एक चीज़ में हो सकते हैं, या पॉसिबल है दोनों में भी हों, प्रोग्रामर एंड सिस्टम एनालिस्ट। वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि प्रोग्रामर क्या होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ आती है, लेकिन हम लोग जो कोड करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं, और ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं ये डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जैसे जावा, C++ और VB और बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको इन लैंग्वेजेस के बारे में बहुत ही अच्छी सी नॉलेज होती है, और वो इन लैंग्वेजेस में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस लिख के फॉलो करवाते हैं कंप्यूटर से। राइट प्रोग्राम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे, हमने कोई भी काम परफॉर्म करना है हम उसके लिए क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। फिर हम फर्दर देखते हैं सिस्टम एनालिस्ट का क्या काम होता है। एनालाइज डेटा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड, यानी डेटा मैनेज करना, या कोई भी यानी जो भी अगर वो प्रोग्राम बना रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर उनको मिला हुआ है उसके दरमियान में जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सिस्टम एनालिस्ट करते हैं। डिवेलप इंफॉर्मेशन सिस्टम टू इम्प्लीमेंट दैम, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं ताकि उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, और अपनी प्रॉब्लम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनके सॉल्यूशंस प्लान करते हैं, यानी जो भी उनको प्रॉब्लम बताया जाए या जिस भी टाइप का सॉफ्टवेयर उनको बनाने के लिए कहा जाए वो उसको पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर उसके बारे में रेलिवेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। फर्दर मूव करते हैं हार्डवेयर इंजीनियर्स की तरफ। हार्डवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं कि हार्डवेयर आप लोगों को पता है क्या होता है, जैसे हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं, तो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, ये डिज़ाइन करते हैं हार्डवेयर को और उसको बनाते हैं, और उनका काम जो है वो अगर हार्डवेयर ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर या उसको उसकी मेंटेनेंस भी होता है, ठीक है, और इन डेप्थ नॉलेज होती है इनको इंटरनल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है उसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, हार्डवेयर इंजीनियर्स को सब पता होता है, उनके बारे में नॉलेज होता है, और वो उसी के अकॉर्डिंग इनको ठीक करते हैं, यानी रिपेयर और मेंटेनेंस करते हैं इसकी। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को देखें तो इनका काम जो है वो
नेटवर्क रिलेटेड चीज़ों को देखना होता है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं उनकी इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस और जो भी आगे फर्दर इनमें काम हो कंप्यूटर नेटवर्क का, इसको मैनेज करना सारा काम जो है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स का होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ डेटाबेस, यानी अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएँ तो उनको अपना पूरा डाटा मैनेज करने के लिए एक पर्सन की ज़रूरत होती है या कुछ लोगों की ज़रूरत होती है जो उनके डेटाबेस को प्रॉपरली मैनेज कर सकें, उनके डेटाबेस को ऐसा मैनेज करें कि वो किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन से उसको एक्सेस ना मिले और सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस कर सके, ठीक है, यानी उनका डाटा जो है वो बाहर ना जाए ऑर्गेनाइजेशन से। फिर आगे आ जाते हैं वेब डिज़ाइनर से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। हुज़ जॉब इज़ टू प्लान एंड क्रिएट वेबसाइट्स, यानी इनकी जो जॉब होती है वो ये होती है कि ये वेबसाइट्स को क्रिएट करें, वेबसाइट्स बनाएं, जैसे हम लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं google.com या कोई भी रिलेटेड वेबसाइट्स आप लोगों के माइंड में भी जो हो, जैसे दराज वालों की वेबसाइट देख लें या अमेज़ॉन की देख लें या कोई भी, जैसे भी आपके जहन में भी कोई आ रही होंगी, तो वो सारा जो काम होता है वो वेब डिज़ाइनर का होता है कि वो क्रिएट करें। फिर वो इन वेबसाइट्स में टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ऑडियोज़ भी लगा सकते हैं, वीडियोज़ भी लगा सकते हैं, ठीक है, साउंड भी लगा सकते हैं, हर तरह के इमेजेस सब कुछ जो है वो उसमें लगा सकते हैं। जैसे अगर आप सिंपल वेबसाइट्स को देखें तो उनमें टेक्स्ट होता है, अगर आप यूट्यूब पे आएँ तो यूट्यूब में जो है वो वीडियोज़ भी होंगी, साउंड्स भी होगा, टेक्स्ट भी होगा, ठीक है। और HTML जो है यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो लैंग्वेज है जो जिसमें हम लोग अपनी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं, यानी बेसिक जो लैंग्वेज है वो HTML है, ठीक है। उसके बाद है जी मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स, पीपल हु ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन अट्रैक्टिव मैनर, वो लोग जो अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके में, अच्छे अंदाज में पेश करें, वो मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स होते हैं। उनके पास स्किल्स होती हैं कि वो ऑडियो वीडियो फाइल्स में से डाटा को मैनिपुलेट करें, उनको चेंजिंग करके उनको अच्छा सा अट्रैक्टिव सा बना के यूज़र के सामने पेश करें। जैसे कि आप देख सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री है या सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं या एडवर्टाइजिंग कंपनीज़ हैं, तो वो अपने चीज़ों को ऐसे ही एडवर्टाइज़ करती हैं कि लोगों को अट्रैक्टिव लगे और लोग उसकी तरफ जो है वो उन चीज़ों को प्रेफर करें, ठीक है। फिर है सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का जो काम होता है वो यही होता है कि इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करें, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन आपके डाटा को यूज़ ना कर सके जिसको आप अलाउ ना करना चाहें। लास्ट में जो है वो कंप्यूटर टीचर आ जाता है। टीच द सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस टू मेक स्टूडेंट्स कंप्यूटर लिटरेट, यानी कि ये आपके जो कंप्यूटर टीचर्स होते हैं वो आपको स्टूडेंट्स को कंप्यूटर लिटरेट बनाते हैं, यानी कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताते हैं, विंडो इंस्टॉलेशन के बारे में बताते हैं, या कोई भी प्रैक्टिकल वर्क है या किसी भी तरीके से वो आपका जितना भी बुक का कॉन्टेंट होता है या एक्स्ट्रा रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस वो भी आपको इसके बारे में देते हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, फिर भी अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।